हेलो एवरीवन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। प्रीवियस वीडियोस में वी हैड टॉक्ड अबाउट वेदर, व्हाट इज वेदर, विच कंडीशन, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन विच डिटरमाइनिंग द वेदर, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है, ये वेदर से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वेदर क्या था, किसी भी प्लेस की डे टू डे कंडीशन थी कि हर घंटे में कैसे चेंज हो रहा है मौसम, वो था वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, नाउ सी द डेफिनेशन। द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। किसी भी प्लेस का एवरेज वेदर पैटर्न एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ओके। जो जितने बहुत सारे प्लेसेस हैं इस वर्ल्ड पे, तो हर एक प्लेस पे जो क्लाइमेट है वो अलग अलग प्लेस पे क्लाइमेट अलग अलग टाइप का होता है। अब क्लाइमेट को हम कैसे देखें, कैसे पता करेंगे, फॉर एग्जांपल फॉर 25 इयर्स कि किसी भी एक प्लेस को ले लेते हैं और 25 इयर्स के लिए वहाँ का हम क्लाइमेट देखते हैं, मतलब जो वेदर कंडीशन है वहाँ की कैसी है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, अगर हम राजस्थान का जो वेदर पैटर्न है वो देखते हैं तो क्या है, राजस्थान में जनरली रेन बहुत कम होता है एंड गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हॉट होता है। वाई? बिकॉज ऑल ओवर देयर आर डेजर्ट, ठीक है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट ड्राई एंड हॉट है, क्योंकि वहाँ ड्राई क्यों, बारिश बहुत कम है, और हॉट क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है क्लाइमेट। नाउ नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, ओके। नाउ देर आर डिफरेंट फैक्टर्स एंड फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती है, अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है। हमें नहीं पता, किसी ने नहीं देखा इक्वेटर को, बट ऐसा अज्यूम किया गया है। तो लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट व्हाइल दोज अवे फ्रॉम इक्वेटर आर कोल्ड। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्लेसेस जो इक्वेटर के पास प्रेजेंट हैं, अब देखो इक्वेटर पे क्या होता है ना कि जो अर्थ की रेज है वो जो सन की रेज है वो वर्टिकल पड़ती है इक्वेटर पे, और वो अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर हटते जाते हैं या नॉर्थ तरफ या साउथ की तरफ, तो सन रेज जो है वो स्लांटिंग होती जाती है, मतलब तिरछी होती जाती है। तो जो सन रेज है जो वर्टिकल जिस प्लेस पे पड़ेगी वहाँ पे मोर हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है। सन की वर्टिकल रेज जो है वो मोर हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है इन कंपैरिजन टू स्लैंटिंग रेज। इसीलिए जो भी प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, बहुत बच्चे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में कन्फ्यूज आते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को बिल्कुल। एल्टीट्यूड देखिए क्या होता है, हाइट अबव सी लेवल। अब सी का एक लेवल है, उससे हम हाइट, अब उसके बाद हम हाइट देखते हैं। जैसे जैसे द प्लेस ऑफ हायर एल्टीट्यूड हैव कोल्ड क्लाइमेट एज कम्पेयर टू दोज एट सी लेवल। जो भी प्लेसेस सी लेवल में हैं, ठीक है, उनका जो क्लाइमेट है वो जनरली मॉडरेट या हॉट होता है। लेकिन वो प्लेसेस जो हायर एल्टीट्यूड पे हैं सी से, मतलब सी से ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, क्यों, क्योंकि वो हायर अल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स कैन ब्लॉक द पाथ ऑफ विंड्स इट इफ़ दीज विंड्स आर मॉइस्चर लेडन दे कॉज रेन देयर बाय अफेक्टिंग क्लाइमेट। ये क्या करते हैं, हाई माउंटेन्स जो पाथ होता है विंड का उसको ब्लॉक करते हैं, एंड जो भी विंड इससे इसके थ्रू होते हुए आ जाती है अगर उसमें मॉइस्चर है तो वो क्या कॉज करती है, रेन कॉज करती है, और उसके बाद वो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम सी। प्लेसेस नियर द सी नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। देखो जो भी प्लेसेस सी के पास में होते हैं वहाँ पे वेदर पैटर्न में चेंजेस, वेदर में चेंजेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ेगी। वहाँ का जो एक जो वेदर है वहाँ का बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ये वेदर का डिफरेंशिएशन होता जाता है, ठीक है। गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज विंड्स। इफ
Winds are moisture laden, they cause rain, but if they lack moisture, the region will they will pass through will remain dry. Wind भी एक ऐसा factor है जो किसी भी जगह के climate को बहुत affect करता है. मॉइस्चर की बात करी थी हमने, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. एंड मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर वाटर वेपर का अमाउंट है. ठीक है, अब इसी मॉइस्चर की वजह से रेन होती है. तो ऐसी विंड्स जो जिनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है वो अल्टीमेटली रेन कॉज करेंगे. एंड जो भी विंड हैं जिनमें मॉइस्चर नहीं है वो क्या करती हैं, वो रेन कॉज नहीं कर पाती हैं. एंड किसी भी एरिया से जब ये ड्राई विंड पास होती हैं तो वो प्लेस भी वैसे का वैसे ही ड्राई रहता है. इसीलिए राजस्थान में देखो वहाँ पे बारिश बहुत कम होती. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो ड्राई है, विंड जो है वो ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है, इसलिए रेन कॉज ही नहीं होता है. इसलिए वहाँ पे वाटर की भी बहुत स्कैरसिटी है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस. क्लाइमेट हमने देख लिया क्या होता है, किसी भी प्लेस का एक वेदर पैटर्न फॉर सेवरल ईयर्स. ठीक है, 25 years तक के लिए किसी भी प्लेस का जो वेदर पैटर्न है वो क्या है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. अब नाउ सी व्हाट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ स्पीशीज बिकम फिटेड टू इट्स एनवायरमेंट. प्रोसेस है एक जिसके द्वारा कोई भी स्पीशीज जो है, ठीक है, कोई भी लिविंग बींग अपने एनवायरमेंट में फिट होता है, उसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. एनिमल्स हैव मैनी वेज ऑफ अडेप्टिंग टू एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो भी एनिमल्स हैं, अब उनके अंदर डिफरेंट वेज होता है किसी भी क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए. ओके, ठीक है, जैसे अब हम ही हैं ह्यूमन बींग्स, क्या होता है किसी भी जगह पर रह रहे, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर अपने एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं. ठीक है, अगर सर्दी पड़ने लगी तो स्वेटर पहन रहे, फर वाले क्लोथ्स पहन रहे, वुलन क्लोथ्स पहन रहे, ब्लैंकेट ओढ़ रहे, तो उस हिसाब से फिर अपने आप को हम मैनेज करते हैं. लेकिन अब एनिमल्स के साथ क्या है, एनिमल्स के साथ तो ऐसा नहीं कि उनको गर्मी लगेगी तो वो फैन चला लें या कूलर चला लें या एसी चला लें, कुछ भी चला लें, तो क्या करेंगे, वो अपने अंदर ऐसे फीचर्स डेवलप करते हैं ताकि वो ऐसे वैसे सराउंडिंग में रह सकें. ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल लिविंग देयर. क्यों हम साथ में क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है किसी भी जगह के, कोई भी प्लेस जो है, किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वहाँ के लिविंग बींग्स को ये अफेक्ट करता है. ठीक है, द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइमेट्स आर एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड. जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्लाइमेट, अब देखो जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं ये क्या एक मॉडरेट यहाँ का क्लाइमेट है, लेकिन ऐसा ऐसी जगह जहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी एनिमल्स अपने अंदर ऐसे फीचर्स डेवलप करते हैं ताकि वो उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके. ठीक है, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, जगह के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और वो केवल हमारे लिए नहीं, वो एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी है. अगर प्लांट्स अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेंगे तो दे कांट सर्वाइव, वो फिर ख़त्म हो जाएंगे उसी नेचर में. ओके, नाउ सी देर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स एंड फर्स्ट क्लाइमेटिक जोन इज पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स क्या है, अर्थ जो है उसमें दो पोल्स होते हैं, फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज साउथ पोल. नॉर्थ पोल सबसे अपसाइड पे होता है एंड साउथ पोल डाउन में. ये जो पोल्स हैं ये क्या है, दीज पोल्स आर वेरी कोल्ड. ओके, व्हाई, बिकॉज दीज रीजन सिचुएटेड नियर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज रीजन रिमेन कवर्ड विद स्नो एंड क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड. व्हाई दीज रीजन्स आर कोल्ड, बिकॉज दीज रीजन ऑलवेज कवर्ड विद स्नो and temperature is as low as -37°C. वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है. ठीक है, हम जिस एरिया में, हम जिस भी जगह में रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर में बहुत कम जाएगा विंटर में, तो 0 degree बहुत कम होता है कि 0 degree तक चला जाता है. ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ कि -1 और -2 चला गया. लेकिन अब सपोज करो जहाँ का टेम्परेचर -37°, वहाँ कितनी ज़्यादा ठंड होगी. ठीक है, तो जो भी पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है. अब यहाँ पे एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी. देखो डायग्राम में भी दिखा हुआ है, पूरा स्नो से कवर्ड है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेजर्ट रीजन. डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट रीजन में भी हॉट और कोल्ड, सम रीजन्स डू नॉट रिसीव रेन और स्नो फॉर ईयर्स. डेजर्ट ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल मोस्टली हॉट होता है. बहुत कम डेजर्ट हैं जो कोल्ड होते हैं.
ठीक है, और ऐसे रीजन्स में रेनफॉल बहुत कम होती है और स्नो भी बहुत कम ही. अब स्नो कहाँ पे होगा, जो हॉट जो कोल्ड डेजर्ट है, और वो भी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, देखो या डायग्राम में भी दिख रहा है आप लोगों को. अब यहाँ पे कैसे एनिमल्स होंगे, कैसा वेजिटेशन होगा, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रीजन. दीज रीजन्स लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर एंड देयर फोर हैव अ हॉट क्लाइमेट. सम एरियाज हैविंग वेरी हाई रेनफॉल वाइल सम हैव मॉडरेट रेनफॉल. ये रीजन्स कौन से रीजन्स हैं, ये रीजन्स जनरली इक्वेटर के आसपास के रीजन्स होते हैं. ठीक है, और यहाँ का जो क्लाइमेट वो जनरली हॉट होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है किसी किसी जगह पे, कहीं कहीं मॉडरेट रेनफॉल होती है. ठीक है, और समर में क्या होता है, देखो ये जो ऐसे हैं प्लेसेस जहाँ पे समर में जो टेम्परेचर है 40 degrees to 45 degrees तक चला जाता है टेम्परेचर. एंड ऐसे रीजन्स में अब सब कुछ है, रेनफॉल भी है, टेम्परेचर का भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे रीजन्स में वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है. ठीक है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे रीजन्स में. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट क्लाइमेट एंड क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन. सो सी दिस वीडियो वेरी केयरफुली. ओके.